तो कल लास्ट में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, उसका मैंने आपसे आंसर पूछा था, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व करा होगा। और अभी मैं सॉल्व करता हूँ, आप उससे अपना आंसर मैच कराना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये था कि जो Q3 है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे हम लोग। तो इसके सराउंडिंग में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, चार लोग हैं। तो चारों मिलकर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे उस पर। ये वाला फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला लगाएगा फोर्स इधर, और ये वाला भी फोर्स लगाएगा इधर। इसको सपोज F1 बोल दिया, ठीक। ये जो Q लगाया हमने इसको सिर्फ F बोल दिया, ठीक। ये जो Q लगाता है इस पर उसको F बोल दिया। Q2 जो लगाया उसको मैंने बोल दिया F2, और Q4 जो लगाया हमने उसको बोल दिया F4, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हो गए, इन सबका रिजल्टेंट अपने को निकालना है, ठीक है। चलिए, तब ये जो प्रॉब्लम है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं है, अब ये वेक्टर का क्वेश्चन हो गया है ना। तो डील करते हैं इनको कैसे करना। देखिए ये जो F4 और F2 है, इनका जो मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, मतलब 4 और 3 में लगने वाला जो चार्ज है का पेयर है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, और 2 और 3 में जो चार्ज इस्तेमाल हो रहे हैं उनके भी मैग्नीट्यूड सेम है, और इधर भी डिस्टेंस ए है, इधर भी डिस्टेंस ए है। तो कितना निकल के आएगा, KQ² / a² मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अच्छा, जो F1 है जो इसने लगाया, Q1 ने Q3 पर लगाया F1, वो कितना हो जाएगा, KQ²। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक √2a होता है, तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a² आएगा, सही है। अगर मैं इसको F0 बोलता हूं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को, तो इसका आंसर आएगा F0/2, ठीक है। देखो ना, इसका जस्ट आधा हो गया ये। बचता है अपना F, तीन होगा ना, 1 2 3, लास्ट वाला फोर्थ। तो ये कैपिटल क्यू जो Q3 पर लगाएगा फोर्स, तो आंसर क्या आएगा, KQ² ये डिस्टेंस जो होता है, ये होता है a/√2। कितना होता है ये डिस्टेंस, a/√2, क्योंकि पूरा √2 ये होता है, उसका आधा a/√2। तो a/√2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे a² और √2 का स्क्वायर 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें नेट फोर्स निकालना है। तो एक चीज और देखो आप, F2 और F4 का जो मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, जिधर F और F1 लग रहे हैं पहले से। तो जो नेट फोर्स आएगा इस Q3 पर, वो किधर मिलेगा अपने को, इधर ही मिलेगा, F1 वेक्टर प्लस F वेक्टर, और ये हमने बोल दिया F' वेक्टर। F' वेक्टर किसका रिजल्टेंट है, F2 और F4 वेक्टर का रिजल्टेंट, सही है। मतलब अब मैं सिंपली क्या करना, तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहे फोर्सेस, सिंपली इनको ऐड करना है, ठीक है। तो जो F वेक्टर जो आएगा, ये F डैश आ रहा है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट के बराबर आएगा। दो वेक्टर अगर 90 एंगल पे काम कर रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा F' का मैग्नीट्यूड उसका, वो आएगा √2 × F0, ठीक है, √2 × F0, क्लियर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो आप सारी, तो जो आपके पास आंसर आएगा नेट फोर्स का, वो आएगा √2 F0 + F1 + F वेक्टर, है ना। अब वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सबका डायरेक्शन पता है, बस हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज इनको ऐड करना है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, F0 कितना था, F0 ये था KQ² / a² + F1 कितना है, F0/2, मतलब KQ² / 2a² + F कितना है, ये F है, 2 × KQQ / a², ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, KQ² / a² हर एक टर्म से कॉमन आ रहा है, यहां भी आएगा, K इंटू क्यू सिर्फ आएगा, यहाँ KQ² नहीं है, तो KQ / a² कॉमन आ रहा है, तो इधर बचेगा √2 × Q + इधर बचेगा हमारे पास 1/2 Q + इधर बचेगा 2Q, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया नेट फोर्स ऑन Q3, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 के एंगल पे लगेगा, ठीक है ना। रिपीट कर रहा हूं जल्दी से मैं,
इस पर जो फोर्सेस लग रहे, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, चारों लोग लगाएंगे, फोर और टू वाला इससे इक्वल डिस्टेंस पे है और इनके मैग्नीट्यूड भी चार्जेस के बराबर है, तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और इनका जो डायरेक्शन है एक दूसरे के 90 एंगल, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बाइसेक्टर की तरफ आएगा और 45 एंगल बनाते हुए जाएगा, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, रूट टू टाइम्स एफ आएगा, है ना। और हमने उनका जो मैग्नीट्यूड था उसको एफ नॉट के बराबर बोल दिया था, तो ये आंसर कितना आ गया इसका, रूट टू टाइम्स एफ नॉट। और जो ये आया, हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था और एफ डैश का नाम दिया था हमने, एफ डैश वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास बचता कौन, F और F1 वेक्टर। F वेक्टर वो है, वो फोर्स है जो Q वाला लगा रहा था, तो सिंपल सी बात है, इसका डिस्टेंस पता हमें, चार्जेस पता है, तो F निकाल सकते हैं। F1 क्या था, जो Q1 वाला लगा रहा था, आगे अभी भी पता है, तो F1 को भी हमने निकाल लिया था, F को भी निकाल लिया, सब जो इन दोनों का रिजल्टेंट था वो भी इस डायरेक्शन में आया, F डैश भी इधर ही आएगा, F1 भी इधर आएगा, इन सबको हमने क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया नेट फोर्स का, और जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, 45 एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो अभी हमने एक प्रॉब्लम लिखा था बोर्ड पे, प्रॉब्लम क्या था कि एक रेगुलर हेक्सागन के वर्ड्स 5 वर्टिसेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे गए थे जिनका मैग्नीट्यूड था क्यू, ठीक है, और उनके सेंटर पर एक माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया गया और बोला गया कि बताओ उस माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है, और इन्फॉर्मेशन एक और दे रखी थी उसमें कि जो साइड है हेक्सागन का वो L के बराबर है ना। फिर डायग्राम बनाता हूं मैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, देखिए ठीक है, तो ये हमारे पास हेक्सागन हो गया, ठीक, इसकी साइड कितनी है, L के बराबर, ये भी L, ये भी L, ये भी L साइड, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का हर साइड क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, बोला कि इसके 5 वर्टिसेस पे हमने क्या रख दिए, Q मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को रख दिया, Q Q Q Q 5 हो गए, 1 2 3 4, हाँ, इनका जो सेंटर है, सेंटर कैसे मिलेगा भाई, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, या हर ऑपोजिट वाले चार्ज को ज्वाइन करने से क्या मिल जाता है, हमें सेंटर मिल जाएगा, ये सेंटर हो गया, इसके सेंटर पर कितना रख दिया चार्ज हमने, माइनस क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और आपसे बोला है कि बताओ कितना इस पर, इस माइनस क्यू पर कितना चार्ज, कितना फोर्स लगने वाला है। क्लियर, तो वापस से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का एक बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, और सिंपल भी है कि इस माइनस क्यू पर फोर्स देखना है, तो आप ये देखो कि इसके सराउंडिंग में कितने लोग मौजूद है, तो कितने लोग मौजूद है, 1 2 3 4 5 चार्जेस प्रेजेंट है, 5 के 5 क्या करने वाले है, इस पर फोर्स लगाएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दूं, इसको 5 बोल दूं मैं, तो ये Q1 वाला फोर्स किधर लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो अट्रैक्शन होगा, ये एक फोर्स तो ये आया, ठीक, हमने इसको बोल दिया F1, ठीक। ऐसे F2 जो, ये जो Q2 है वो भी क्या करेगा, अपने तरफ बुलाएगा कितने से, F2 फोर्स से, सपोज ये 3 वाला ये भी अपनी तरफ बुलाएगा कितने से, F3 फोर से, और ये Q4 वाला अपनी तरफ बुलाएगा कितने से, F4, ठीक है। अब इन सबको आप ध्यान से देखो, मैं इस वाले इस माइनस क्यू का FBD अलग से बनाता हूं, है ना, तो इधर लगेगा अपने को F4, इधर लगेगा हमारे पास F1, इधर लगेगा हमारे पास F3, और बचा कुछ, हाँ इधर क्या लगेगा F2, हाँ एक 5 वाला भी है, ये भी अपनी तरफ बुलाएगा F5 से, तो ये चला गया F5, ठीक है, इतने फोर्सेस लग रहे थे। अब एक चीज देखो, ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो सेंटर से हर एक का जो डिस्टेंस है वो सेव रहने वाला है, अगर मैं इसको R बोल दूं तो ये भी R हो जाएगा, 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 ये सारे R के बराबर हो जाएंगे, तो जो F F जो सारे फोर्सेस है, F1 हो चाहे F2 हो चाहे F3 चाहे F4 चाहे F5, इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब फोर्स आप लिखोगे तो उसमें क्या देखना होता है, हमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना होता है और उनके बीच का डिस्टेंस देखना होता है,
तो आप देख रहे हो कि हर एक पेयर में दोनों का मैग्नीट्यूड q q q q q q q q q एंड q, हर जगह जो पेयर बन रहा है वो q q का बन रहा है और उनके बीच का गैप भी कितना है, हर जगह r ही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हर जगह फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, सेम। तो अगर ऐसा हुआ तो ये ऑपोजिट वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड के, निपट गए। ये ऑपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, निपट गया। तो जो भी नेट फोर्स जो भी मिला हमें वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ थ्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो एफ थ्री है कितना, के क्यू थ्री क्यू अपॉन, इसको हमने आर बोला था क्योंकि ये भी आर था, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्यू थ्री कितना है, क्यू के बराबर, तो आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टास्क बचा है कि आर का वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ एल, ठीक। ओके, तो ये कैसे निकाला जाए, तो हम क्या करते हैं, कोई सा ट्रायंगल उठा लेते हैं इसमें से। सपोज हमने ये ट्रायंगल उठा लिया है ना, ये वाला, ठीक। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। ऐसा ये एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, क्योंकि रेगुलर आपका जो हेक्सागन होता है वो ये वाला एंगल 60 हो जाता है, ठीक। तो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, अगेन ये वाला एंगल भी कितना है 60 डिग्री, ठीक। टोटल होता है 120, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 60 डिग्री, सही है। अच्छा जी, तो इसका ये मतलब है कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसके तीनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अगर तीनों साइड बराबर हो जाएंगी तो किसके बराबर हो जाएंगी, एल 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 के बराबर, क्लियर। ज्यादा अच्छे से आप ऐसे भी समझ में आ सकता था, आप अगर ये वाला ले लेते तो भी आपको और क्लियर होता, उसमें ये बेस एल के बराबर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आर आया, वो आर किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो सिंपल आंसर कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, या फिर के की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है समझते हैं हम लोग, तो हम इस टर्म पे फोकस करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये हमने पहले भी 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो और दूसरा इसके साथ साथ कि उस पर लगने वाला नेट मोमेंट या टॉर्क क्या हो जाए, किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाए, तो हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में है वो, नेट फोर्स नेट मोमेंट अगर जीरो हो जाए बॉडी पर लगने वाला, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में, क्लियर। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहां पे चार्जेस के साथ डील करने वाले, ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर हम लोग चार्जेस के साथ डील करने वाले हैं, वहां पर कौन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, है ना, कौन कौन सा, स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, और थर्ड वन इज न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इन तीनों का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी पार्टिकल, सपोज कोई पार्टिकल यहां पर रखा हुआ था, ठीक है, तीनों केस में दिखा दे रहा हूं, यस, ये चार्ज पार्टिकल कोई था, आपने इस वाली कंडीशन में थोड़ा इसको डिस्प्ले, ये इसका मीन पोजीशन था, ये क्या था, ये मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन क्या होता है, ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तभी तो इक्विलिब्रियम में था वो, है ना। तो अगर आपने मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, इधर मानो डिस्प्लेस किया राइट साइड पे, और जब आपने डिस्प्लेस करके इसको रिलीज किया, तो अगर इसकी टेंडेंसी वापस इसके मीन पोजीशन की तरफ आने की हो, या इस पर नेट फोर्स इसके मीन पोजीशन की तरफ लगे हमेशा, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या, सपोज हमारे पास इस तरीके का बाउल है, आपने यहां पे बॉल रख दिया, अगर आपने इसे थोड़ा इधर डिस्प्लेस किया तो रिलीज करने के बाद वापस यहां आएगा, और ये क्या करेगा, एक टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सेम यहां पर देखो, ये मीन पोजीशन था इसका, अगर आपने इधर इसको डिस्प्लेस किया और इस पर नेट फोर्स भी इधर लग गया,
तो उससे क्या होगा, कभी भी वापस मीन पोजीशन पर नहीं आएगा, जिधर जा रहा था उधर से धक्का मिल गया तो भाग जाएगा ना, सही है। तो ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर आपने एक बाउल के टॉप पर ऐसे रख दिया, ठीक है, अगर आपने इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस किया तो ये वापस इसके मीन पोजीशन पर लौट के नहीं आएगा, ये चला जाएगा, परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आप जो है इसको अगर डिस्प्लेस करते हो तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है ना, या ऐसा बोलो जहां पहुंचेगा वहां पर ही नया मीन पोजीशन ढूंढ लेगा, ये तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर ये फ्लैट सरफेस होता तो यहां पर था, हमने इसको डिस्प्लेस करके यहां पर रख दिया तो वापस यहां ही एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। अब इन सारी बातों को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में समझते हैं हम लोग, है ना, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में या किसी भी इक्विलिब्रियम केस में, कोई सा इक्विलिब्रियम हो, उन सभी केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम, यहीं पे लिख देता हूं मैं, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, अगर स्टेबल है, है ना। अब इन तीनों के लिए ये जो कंडीशन है ये तीनों के लगेगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, तीनों ही क्या है आपका इक्विलिब्रियम थे, लेकिन हमें अगर ये चेक करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है या इक्विलिब्रियम वाला केस है, तो हमें इसे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, तो जिस वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है उस वैल्यू पर उस क्वांटिटी का मैक्सिमम मिलता है अपने, सही है। और अगर इसका आप उल्टा देखो कि अगर उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, है ना, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर इस क्वालिटी का क्या मिलेगा अपने को, मिनिमम मिलेगा, सही है। और वो क्वालिटी है कौन यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है या स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे वहां पर, सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, मतलब डबल डेरिवेटिव जो है पोटेंशियल एनर्जी का अगर वो जीरो आ जाता है तो कौन सा सिस्टम मिलेगा, न्यूट्रल वाला मिलेगा। इन सब के लिए मैं कंडीशन लिखता हूं, स्टेबल था, पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है अपने को, मिनिमम करना है, तो इसका जो डबल डबल डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट। यहां पर देखो अनस्टेबल वाले केस में क्या हुआ, यू क्या करना अपने को, मैक्सिमम करना है, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो। यहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, यू का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, डबल सेकेंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्लियर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो जो अभी कल से पढ़ा हमने उस पर मैं कुछ प्रॉब्लम लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो चार्ज पार्टिकल हमने ले लिए यहाँ पे, अभी मैं इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस ले रहा हूँ क्यू और क्यू, ठीक है, क्लियर। आपसे बोला कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर, इनके लाइन पर, इस लाइन पर, ये लाइन आगे बढ़ा लो आप, तो इस पूरे लाइन पर थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर प्लेस किया जाए, उस पर नेट फोर्स कितना आ जाए, जीरो आ जाए। नेट फोर्स किस पर देखना है, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल आप ला रहे हो, और इन लोगों को हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है ना, ये क्या भाई, फिक्स्ड, और ये भी क्या है, फिक्स है, ठीक, इनको फिक्स कर दिया आपने, इनका पोजीशन सेट कर दिया। थर्ड चार्ज पार्टिकल को आप ले आ रहे हो, बोला कि उसको ऐसे पॉइंट पर रखो कि उस पर नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये माना कि जो चार्जेस थे ये सेम नेचर के चार्जेस थे, है ना, हमने भी पॉजिटिव मान लिया। तो हमारे पास जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसको रखने के तीन लोकेशंस हैं, एक इसके इधर कहीं पर भी इस लाइन पर रख सकते हैं, एक इसके इस साइड इस लाइन पर कहीं भी रख सकते हैं, और एक थर्ड वाला जो रीजन है वो इन दोनों के बीच में इस लाइन पर कहीं रख सकते हैं, है ना, तीन लोकेशन मिल सकते हैं। तो मैं वन बाय वन सारे लोकेशन देखता हूं और जो रिजेक्ट होगा उसको मैं हटा दूंगा। देखिए, जैसे मैंने ये वाला रीजन पकड़ा, कोई चार्ज पार्टिकल मैंने यहां पर रखा थर्ड वाला, है ना, और अब हमने इसको प्लस माना, ये भी प्लस प्लस मान लीजिए आप, ठीक। तो इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे, दो, क्योंकि इसके सराउंडिंग में दो लोग हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना, इसके सराउंडिंग में दो लोग हैं, तो नेट फोर्स हमें इस पर देखना है।
तो ये वाला इसको क्या बोलेगा, दोनों का नेचर सेम है तो जाओ बोलेगा इधर। ये वाला भी इसको क्या बोलेगा, जाओ दोनों का नेचर क्या है, सेम, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगे। और अगर दो वेक्टर सेम हीट सेम डायरेक्शन में लग रहे तो उन दोनों का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इस प्लस वाले को माइनस क्यू रख के देखोगे तो उस पर नेट फोर्स इधर आ जाएगा दोनों का, तो भी आपका नेट फोर्स कितना मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने माइनस रखा तो ये भी बोलेगा आओ, ये वाला भी क्या बोलेगा आओ, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम, तो अभी भी नेट फोर्स क्या आएगा जीरो, ठीक है। अच्छा, ये वाला रीजन पकड़ते हम लोग, प्लस क्यू रखा, ये वाला क्या बोलेगा इसको जाओ, ये वाला क्या बोलेगा जाओ, दोनों अगेन सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स यहां भी जीरो होने वाला नहीं है। अब आप इसको माइनस क्यू रख के देखो, तो माइनस रखो ये वाला क्या बोलेगा आओ, ये वाला भी क्या बोलेगा आओ, अभी भी इसका नेट फोर्स जीरो होने वाला नहीं है। तो प्लस क्यू चार्ज हो चाहे माइनस क्यू चार्ज हो, इस दोनों रीजन में नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा। पहली बात तो ये क्लियर है अपने को, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाले रीजन में पहुंचते हैं, इस वाले रीजन में कहीं पर रखा हमने चार्ज, प्लस क्यू रखा हमने, ये वाला क्या बोलेगा इसको जाओ, ये वाला क्या बोलेगा इसको जाओ। अब आप देख पा रहे हो कि दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आ गए तो उनका रिजल्टेंट जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, अगर उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये ऐसा रीजन है जहां पर नेट फोर्स क्या हो सकता है भाई, जीरो हो सकता है, बाकी इन दोनों रीजंस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्लियर है क्या। अब इसको माइनस रख के देखो आप, अगर माइनस रखोगे तो ये वाला क्या बोलेगा आओ, ये वाला भी क्या बोलेगा आओ, अगेन देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं इस माइनस क्यू वाले पर और दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, अभी भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। क्लियर है क्या। चलिए, तो हम इस रीजन को उठाते हैं, इस वाले को, इस पे चार्ज पार्टिकल रखेंगे। पहले आपसे हम पूछेंगे कि बताओ वो लोकेशन बताओ जहां पर चार्ज को रखने पर नेट फोर्स क्या हो जाए, उस पर जीरो हो जाए। और फिर अगला क्वेश्चन होगा कि उसको जो पोजीशन आपने निकाला वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है या अनस्टेबल है। और थर्ड क्वेश्चन होगा कि अगर हम उसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हमने देखा था उधर डायग्राम से भी बाउल वाले कि वो क्या करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आपने उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो क्या करता है, वो ऑसिलेशन करता है, और हमें उसी ऑसिलेशन क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉब्लम अभी हम लोग करने वाले हैं, क्लियर। चलिए, तो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम, है ना। दो चार्ज पार्टिकल है इक्वल मैग्नीट्यूड के, और हमने बोला कि इनके बीच का जो गैप था वो a है, ठीक। और बोला कि थर्ड चार्ज पार्टिकल इनके बीच में कहां पर रखो कि उस पर नेट फोर्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और हमें पता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है लोकेशन वाइज, वो यही लोकेशन है इनके बीच में, कहीं इधर भी नहीं होगा इधर भी नहीं होगा, सही है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। अच्छा, हमने सपोज यहां पर एक थर्ड चार्ज पार्टिकल रख दिया क्यू, और ये क्यू का नेचर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो या माइनस, दोनों हो सकता है, दोनों के लिए नेट फोर्स जीरो हो सकता है इसमें, क्लियर। तो अगर हमने इसको प्लस माना, ये ऑलरेडी प्लस प्लस थे, ठीक, तो ये वाला इसको बोलेगा जाओ, ये वाला इसको बोलेगा जाओ। मैंने बोला कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम हो गए तो ही इस वाले पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा, सही है। तो अगर इसने लगाया एफ वन फोर्स, इसने लगाया एफ टू, तो अगर एफ वन का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर हो गया तो ही बोलूंगा मैं कि नेट फोर्स किस पर, Q वाले पर जीरो होगा, सही है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। अब ये जो लोकेशन है वो पता करना है हमें। हमने क्या बोला कि सपोज यहां से ये डिस्टेंस x है, ठीक है, इस वाले एंड से ये डिस्टेंस x है, तो यहां से कितना हो जाएगा a माइनस x, यहां से टोटल a था, x गया, कितना बचा a माइनस x। तो F1 क्या हो गया, Q अपॉन h स्क्वायर। जिन दो चार्ज पार्टिकल में फोर्स देखना है उनका मैग्नेट ऊपर आता है और उनके बीच का जो गैप होता है वो नीचे आ जाता है स्क्वायर करके, इज इक्वल टू। अब जो फोर्स है F2 है वो कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, तो अब दो जो चार्ज पार्टिकल हुए कौन से हुए, ये हो गए Q और Q, और डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच का, a माइनस x, उसका स्क्वायर कर दो। अब देखो ये ऊपर की पूरी चीजें कट गई, कैंसिल आउट हो गई, तो आएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट ले लो आप, तो आएगा a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो आएगा 2x इक्वल टू a, x कितना आया a बाई टू,
x कितना है भाई, a by 2। तो हमें एक आंसर ये मिला कि थर्ड चार्ज पार्टिकल का लोकेशन कहां पर होना चाहिए, तो आंसर है एकदम मिड पॉइंट होना चाहिए इन दोनों का, ठीक है। ये मिड पॉइंट हमेशा नहीं आएगा, अगर आप चार्जेस के मैग्नीट्यूड बदल दोगे तो इनका जो लोकेशन है वो बदल जाएगा। क्लियर है क्या? तो एक प्रॉब्लम मैं उस पर भी लेता हूं जल्दी से। देखो एक 4q चार्ज है मैग्नीट्यूड का, एक 9q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इनके बीच का गैप अगेन हमने ए लिया, थर्ड चार्ज पार्टिकल का लोकेशन पूछा ताकि उस पर नेट फोर्स कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो मैंने ये डिस्टेंस मानी एक्स, तो ये डिस्टेंस जाएगा ए माइनस एक्स, अगेन इस पर, इस वाले पर ये भी फोर्स लगाएगा जाओ बोलेगा, ये भी फोर्स लगाएगा जाओ बोलेगा, इसको बोल दिया हमने F1, इसको बोल दिया हमने F2। F1 क्या था? जो 4Q वाले लगाया। F2 कौन सा फोर्स है? जो 9Q वाले लगाया। अगर नेट फोर्स अगर Q पर जीरो होना है तो F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब लिखते F1 क्या था? K4Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। F2 कितना जाएगा? K9Q डिवाइड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K Q Q इधर 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो पूरा लिख सकता हूँ 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर, सही है। ये 9 था, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ 3 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल है, दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं तो आएगा 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन ए माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 5x आ गया, तो 5x इज इक्वल टू 2a, x कितना आया 2a by 5 या फिर 0.4a, ठीक। x कहां से आया? ये जो x आया था डिस्टेंस, वो कहां से आया था? 4q वाले से। कितना डिस्टेंस पे आया वो? 0.4a। टोटल डिस्टेंस कितना था? a। टोटल डिस्टेंस a था। ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल था वो किसके करीब रखा गया है, तो आप देख पा रहे हो यहां से 0.4 डिस्टेंस है, तो यहां से 0.6 हो जाएगा, तो किसके करीब आता है वो थर्ड वाला पार्टिकल, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कम होता है, याद रखने वाली चीज है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो इधर मिड पॉइंट पे आएगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है जो चार्जेस रखे गए हैं इधर कॉर्नर्स पे, तो उस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जीरो तब होगा जब वो थर्ड चार्ज पार्टिकल किसके करीब हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? कम। और होना भी चाहिए ना, इसका मैग्नीट्यूड कम है, वो बेचारा कम फोर्स लगा रहा था, तो अगर उसके करीब लाओ उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, सही है ना? क्लियर। तो ये आपको फंडा लगाना है, तो ये सारी बातें अपने को याद रखना है। और जो भी केस हमने अभी तक डिस्कस किया वो केस कौन सा था, कि जब ये दोनों जो चार्जेस थे जो कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, ये दोनों चार्जेस का नेचर क्या है? सेम है। अब एक पूरा और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बनेंगे जिसमें ये दोनों Q1 और Q2 जो आजू बाजू दिख रहे अपने को, इनका नेचर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, एक प्लस तो एक माइनस। अभी या तो दोनों प्लस ले लो या दोनों क्या ले लो? माइनस ले लो। केस बिल्कुल क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। तो एक मैं प्रॉब्लम आपको होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट है, आप इसको ट्राई मारना और इसका आंसर अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल है, आपको बताना है कि थर्ड चार्ज का लोकेशन क्या हो ताकि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए भाई? जीरो हो जाए। तो स्क्रीन पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो अभी तक हमें यह देखना था कि लोकेशन क्या होना चाहिए थर्ड चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, और फिर बताना था कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और फिर उसके बाद का स्टेप क्या था कि आप मुझे ये बताओ कि अगर हमने उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से डिस्प्लेस किया स्लाइटली, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ऑसिलेशन का। क्लियर। चलिए, तो हमने वो प्रॉब्लम जो पहले लिया था, दो चार्जेस क्यू और क्यू पॉजिटिव चार्जेस थे, थर्ड चार्ज हमें कहां मिला था? जिसके मिड पॉइंट मिला था। ये डिस्टेंस ए बाई टू, ये डिस्टेंस भी कितना था? ए बाई टू। टोटल डिस्टेंस कितना था इनके बीच का? ए। सही है ना? क्लियर। सबसे पहले वाला प्रॉब्लम ये लिया था हमने समझाने के लिए, दोनों चार्ज के मिड वाले पॉइंट पर थर्ड चार्ज रखने पर उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, इस वाले को, क्यू वाले को, ये तो इसका मीन पोजीशन था अभी, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स क्या था इस पर? जीरो। अभी जब मिड पॉइंट पर रखा, तो हमने अगर इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस किया इस वाले डायरेक्शन में एक्स, ठीक, तो अगर ये यहां पर गया तो आप जरा सोचो, मिड पॉइंट वो पॉइंट था जहां पर इनकी वजह से
दोनों की वजह से लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर था, दोनों बराबर बराबर अप्लाई कर रहे थे एकदम। लेकिन जैसे ही इधर गए हम तो ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल था वो इसके करीब आ गया, और अगर इसके करीब आ गया तो इसका फोर्स डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और इसका फोर्स डोमिनेट हो जाएगा तो नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट पर ये वाला क्या बोलेगा, जाओ, और ये वाला भी क्या बोलेगा, जाओ, इसका जाओ, इस वाले का जाओ, मतलब F2, अगर बोलू मैं इसको F1 बोलू मैं, तो F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस वाले केस में, ज्यादा हो जाएगा F1 के मैग्नीट्यूड से, और F2 किधर है, डायरेक्शन वाइज इधर है, तो नेट फोर्स किधर लग गया, इस पे, इसके मीन पोजीशन की तरफ लग गया, आपने मीन पोजीशन से आगे शिफ्ट किया चार्ज पार्टिकल को, और फोर्स कहां लग गया, वापस से मीन पोजीशन की तरफ लग गया, तो ये केस कौन सा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया। क्लियर है क्या, सही है? तो ये जो डायरेक्शन है, अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया अलोंग द एक्सिस ऑफ अलोंग दिस लाइन, अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया इधर या इधर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये कैसा केस है आपका, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम केस है। लेकिन अगर आपने इसके बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग आपने डिस्प्लेस किया इसको, तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस होगा। कैसे? सपोज हमने इस चार्ज पार्टिकल को यहां पर रख दिया, ठीक, इस क्यू को यहां पे, तो आप फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, ये वाला इसको लगाएगा इधर फोर्स, ये वाला इसको लगाएगा इधर फोर्स, सही है, ये F1 और ये F2, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखो ध्यान से तो ऊपर कहीं आ रहा है, तो जिधर आपने डिस्प्लेस किया फोर्स भी उधर ही लग गया, तो इस डायरेक्शन में अगर आपने थोड़ा भी डिस्प्लेस किया तो कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल, क्योंकि जिधर आपने डिस्प्लेस किया उधर ही नेट फोर्स आ गया तो भाग जाएगा, तो इधर वाले केसेस के लिए क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या, क्लियर? थोड़ी खिचड़ी पक गई, मैं वापस बता देता हूं, अगर आपने इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आपने डिस्प्लेस किया इसके मीन पोजीशन वाले कंडीशन से, तब तो क्या करेगा, वो स्टेबल करेगा इक्विलिब्रियम, तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और वो एसएचएम या ऑसिलेशन कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस लाइन के अलोंग उसको डिस्प्लेस किया इधर या इधर, अगर इधर किया तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा और हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाएगा, तो इस लाइन के अलोंग हमें क्या मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब हमारा अगला टास्क है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन से, है ना, तब उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए अब हमारा पूरा लास्ट स्टेप है ये कि ये क्यू और क्यू चार्जेस थे, कैपिटल क्यू वाला चार्ज इसके मिड पॉइंट पर रख दिया हमने सेंटर पे, और उसका मास हमने कितना अज्यूम कर लिया, एम कर लिया, क्योंकि हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स के लिए मासेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एसएचएम है उसमें जो प्रॉब्लम आता है उसमें मास की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका मास एम मान लिया। ठीक है, ये दोनों फिक्स थे, इनको हमने फिक्स मान लिया है, ये अपना पोजीशन छोड़ के जाएंगे नहीं कहीं पर। ठीक है, और ये डिस्टेंस टोटल ए था, ये ए बाई टू है, ये भी कितना है, ए बाई टू। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, ए बाई टू, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ए बाई टू, ये भी कितना है यहां से यहां तक डिस्टेंस, ए बाई टू। क्लियर, अभी हमने क्या, हमें पता है कि अगर इस लाइन के अलावा मैं इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो हमने क्या किया, नया डायग्राम ड्रॉ करते, ये इसका मीन पोजीशन था ए बाई टू डिस्टेंस पे दोनों से, हम थोड़ा इसको इधर डिस्प्लेस करते, कितना, एक्स से डिस्प्लेस करते। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहां से लेके यहां तक का, ये हो जाएगा ए बाई टू प्लस एक्स, यहां से यहां तक का ये मीन पोजीशन था, इससे एक्स डिस्प्लेस किया, ये यहां से मीन पोजीशन जो डिस्टेंस था वो ए बाई टू था, उसमें एक्स जोड़ दिया, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बाई टू यहां तक था उसमें एक्स कम करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस जाएगा ए बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका क्यू था, ये भी क्यू था, और यहां पर कौन आ गया, कैपिटल क्यू। अब एक काम करते, नेट फोर्स निकालते इधर इस वाले पर, नेट फोर्स, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कौन कौन लगा रहा है इस पे, ये वाला लगा रहा है F1 और ये वाला लगा रहा है F2, तो नेट फोर्स कितना आएगा भाई, F1
माइनस एफ टू, क्योंकि दोनों ऑपोजिट वेक्टर है तो माइनस कर सकता हूं मैं डायरेक्शन वाइज, है ना। तो एफ वन माइनस एफ टू, एफ वन कितना हो जाएगा के, ये लगाया तो दोनों चार्ज के क्यू क्यू, सही है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया अभी ए बाई टू प्लस एक्स, प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस एफ टू कौन लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है इस वाले पे, तो दोनों चार्ज के क्यू क्यू और इनके बीच का गैप कितना ही बचा है ए बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है, क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते और के क्यू क्यू कॉमन ले लेते दोनों से, और एलसीएम कितना आएगा ए बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ना ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और उनका होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा ए बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो के क्यू क्यू स्क्वायर करते ए बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, टू ए भी लिखोगे ना तो टू ए बाई टू इंटू एक्स, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर क्या करोगे माइनस ए बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस होगा तो जाएगा ए एक्स, और नीचे ए बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निपट गए, सॉरी ये नहीं जाएगा ये जाएगा, तो माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स कितना हो गया माइनस टू ए एक्स, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास माइनस टू के क्यू ए एक्स डिवाइड बाई, ये जो x होता है ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत छोटा, तो x जो है वो a या ay2 के कंपैरिजन में बहुत ही कम आएगा, तो मैं इस पूरे चीज को x को नेगलेक्ट मार सकता हूं, तो ये बचेगा हमारे पास a by 2 की पावर 4, ठीक है, तो कितना आएगा ये a by 2 की पावर 4, क्लियर। तो क्योंकि x क्या था लेस 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 देन a या a by 2 था, ठीक, तो एक a से a जाएगा तो नीचे बचेगा a क्यूब, ऊपर 2 की पावर 4 जाएगी, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, तो माइनस 32 अपॉन a क्यूब, और ऊपर कौन चल रहा है a क्यूब k q इंटू एक्स, ये नेट फोर्स हो गया इस पे, ठीक है, किस पे q वाले पर। तो अगर आप इसको f बराबर माइनस के एक्स से कंपेरिजन कराओ तो ये पूरी चीज k के बराबर हो गई, और अगर ऐसा हो तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 2 पाई रूट एम अपॉन के, और के कितना है भाई, ये पूरी चीज के है 32 के क्यू अपॉन